तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज हम जानेंगे कि फायर टीवी स्टिक के अंदर आप गेम किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ समय पहले हमने वीडियो बनाया था कि कीबोर्ड और माउस को जो है आप किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद में जाके उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ऐप स्टोर के अंदर आ जाना है। इसके अंदर दोस्तों आने के बाद में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये वाला गेम जो है इंस्टॉल कर रखा है। तो इसमें आपको बहुत सारे गेम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे ऐप स्टोर के अंदर। तो वहाँ जाने के बाद में ऐप लाइब्रेरी में चले जाइएगा, उसके अंदर आपको बहुत सारे गेम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो दोस्तों एक लूडो का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है, और बहुत सारे रेड बॉल भी है, रेड बॉल 4 है, बीच बगी रेसिंग वाला गेम भी आपको देखने को मिल जाता है, और इसमें बहुत सारे गेम्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। एचफल टेट भी दिया गया है इसके अंदर, और ये हिल क्लाइंब रेसिंग वाला भी इसमें आपको गेम देखने को मिल जाता है। तो अभी हमारे पास जो है ये वाला इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, क्योंकि दूसरा गेम अगर इंस्टॉल करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यह गेम इंस्टॉल्ड है, इसको ही मैं आपको जो है प्ले करके दिखा देता हूँ किस प्रकार का आउटपुट आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर। मोबाइल में तो आप लोगों ने बहुत खेला होगा, लेकिन दोस्तों इस रिमोट से, जी हाँ दोस्तों, फायर टीवी स्टिक में सिर्फ इस रिमोट से, कोई अलग से रिमोट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं म्यूट कर देता हूँ एक बार इसको। अलग से रिमोट लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी रिमोट से आप इसको प्ले कर पाएंगे। इसको नेक्स्ट करना है सिंपली आपको नीचे आके, और अभी तो स्टार्ट ही किया, जैसे मान लो 30,600 कॉइन ही हुए हैं इसके अंदर, तो कभी कभार टाइम पास आप इसमें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना ज़्यादा हेवी गेम भी नहीं है, मोबाइल वगैरह में तो यह क्लियरली चल जाता है। चलिए आपको डेमो दिखा देते हैं किस प्रकार से चलेगा ये। तो दोस्तों एक तो ये गेम था, और भी अगर इसमें मैंने, जैसे मैं इसको बैक कर देता हूँ डायरेक्ट और आपको दिखाता हूँ, एक दो गेम मैंने और भी इंस्टॉल कर रखे हैं बीच रेसिंग वाला, तो वो भी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ किस प्रकार की क्वालिटी आपको उसमें देखने को मिलती है ये वाला। और दोस्तों गेम स्टार्ट होता है तब तक आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके जियो टीवी क्या वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपने उसके लिए क्या किया है, मतलब उसको अनइंस्टॉल कर दिया है या फिर कोई दूसरा मतलब आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है। क्योंकि मेरे भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैंने जो है इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बनाया था, लेकिन यूट्यूब ने जो है इन दोनों ही वीडियो को डिलीट कर दिया है। पता नहीं, लोग बाग तो मेरे से भी ज़्यादा मतलब उसमें शो करते हैं कैसे डाउनलोड करना है, कैसे वर्क करेगा, उनका वीडियो डिलीट नहीं होता है, मेरा वीडियो जो है यूट्यूब की तरफ से डिलीट हो चुका है। तो चलिए हमारा गेम जो है डाउनलोड किया, ऑन हो चुका है, इसको फटाफट से जो है मैं आपको खेल के दिखा देता हूँ। तो इसमें भी ये दो ही बटन से काम करना है, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, इसमें सिंपली आपको जो है लेफ़्ट और राइट करना है। और बहुत अच्छा गेम है दोस्तों, ग्राफिक्स भी बहुत तगड़े आ रहे हैं इसके अंदर, आपको देखने को बहुत तगड़े मिल जाते हैं। और मुझे तो जो है ये गेम बहुत अच्छा लगा है दोस्तों खेल के। आपको कैसा लगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। क्या आपने ट्राई किया है पहले से ही मुझे ये बताइएगा कि फायर स्टिक में आपने कभी गेम डाउनलोड भी ट्राई किया है। मैंने भी जो है काफ़ी समय तक इन गेम्स को डाउनलोड नहीं किया था, मुझे लगा कि भाई फायर टीवी स्टिक क्या ही इनको हैंडल कर पाएगी, लेकिन वाकई में दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से यह काम कर रही है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये गेम। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप गेम वगैरह प्ले नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।